ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनियां नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब दोस्तों, मैं अमरजीत, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। और लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए यूके स्टडी वीजा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। सो यूके में मई और सितंबर नेक्स्ट दो इनटेक्स हैं, जिसके लिए आप अपनी एप्लीकेशंस को प्रोसीड कर सकते हो। और डेफिनेटली इस बार सितंबर के लिए एक बड़ा रश क्रिएट होने वाला है, क्योंकि कनाडा सब बच्चों को अब अकोमोडेट नहीं कर पाएगा, और खासकर जो बच्चे वीक होंगे, जिनके दो मॉड्यूल में 5.5 हैं, एक मॉड्यूल में 5.5 है, या परसेंटेज वाइज कम है, ऐसे बच्चों को कनाडा के अंदर बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। बिकॉज कई बच्चों को एलओएज इशू होने के बाद एलओएज डिक्लाइन किए जा रहे हैं, विड्रॉ किए जा रहे हैं। तो अब जो नेक्स्ट स्टेज है आपके लिए वो है यूके। सो यूके में मई और सेप्टेम्बर जो दो इनटेक हैं, इसमें से मैं आपको एक स्पेसिफिकली डिफरेंस बता दूं, बहुत बड़ा है, क्योंकि इससे पहले कि आप मई इनटेक मिस कर जाएं या उसे अंडर एस्टिमेट कर जाएं, आपके लिए जानना जरूरी है। मई इनटेक बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए होता है ज्यादातर जिनके प्रोफाइल्स में एक स्ट्रॉन्ग वीकनेस होती है, मतलब कोई ग्रेजुएट है लेकिन उसके ओवरऑल 55% नहीं है, तो वो मई इनटेक्स में प्री मास्टर या प्री सेशनल प्रोग्राम्स के जरिए यूके पॉसिबल कर सकता है। जो बच्चा 10+2 है, उसका गैप ज्यादा है, या फिर उसके जो परसेंटेज वगैरह है वो कम है, या आईलेट्स वीक है, ऐसे बच्चों के लिए भी मई इनटेक होता है, क्योंकि वहां पर उनके फाउंडेशन प्रोग्राम्स या इंटरनेशनल फाउंडेशन इंटरनेशनल ईयर वन प्रोग्राम्स जो है वो स्टार्ट होते हैं। ये ऑप्शंस आपको सितंबर में उतनी ज्यादा नहीं मिल पाती हैं, अगर मिलती भी है तो मोस्टली ऐसी यूनिवर्सिटीज के फी स्ट्रक्चर्स बहुत हाई हैं। तो अगर आप एक सही कॉस्टिंग पे जाना चाहते हो, पेरेंट्स का इतना मेहनत से कमाया हुआ पैसा गलत यूज नहीं करना चाहते हो, सही ऑप्शंस अपने लिए बनाना चाहते हो, तो बेस्ट इनटेक ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मई इनटेक है। सितंबर इनटेक डेफिनेटली सबके लिए खुला है। और मैं ये भी बता दूं कि बहुत सारे लोगों को ये मिथ है कि यूके स्पाउस नहीं जा सकता स्टूडेंट के साथ, तो ये भी आपकी एक गलत बड़ी फहमी है। अगर आप स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं, आपके पास आईएलटीएस स्कोर 6 ओवरऑल 5.5 है, तो आप स्पाउस के साथ यूके जा सकते हैं स्टडी वीजा के ऊपर। सो ऐसे जो कन्फ्यूजन्स हैं, इनको घर बैठे डिसाइड ना करें। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने इस साल रिलैक्सेशन कर दिया है कि जो 10+2 स्टूडेंट हैं, अगर वो पंजाब बोर्ड हरियाणा बोर्ड भी हैं और उनके इंग्लिश के 70% हैं, तो उनको वेवर मिल रहा है, वो विदाउट आईलेट्स विदाउट पीटी अपना वीज़ा पॉसिबल कर सकते हैं। तो यूके के अंदर मैं अक्सर देखता हूं कि स्टूडेंट घर बैठे डिसाइड कर लेते हैं, या एक दो एजेंट या एक दो कंसल्टेंट या दोस्तों से पूछ के अपने डिसाइड कर लेते हैं कि यार मेरा तो विदाउट आईलेट्स नहीं हो सकता, या मेरी परसेंटेज है वो इसके लिए नहीं हो सकता। तो भाई ऐसे इश्यूज नहीं होते हैं यूके के अंदर, हर इशू का वहां पर सोल्यूशन होता है। तो एक बार टीम से मिलें, अपनी चीजों को डिटेल में समझें और उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करें। और ब्रॉडवे के साथ अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप निश्चिंत रह सकते हैं, क्योंकि आपको पैसे देने हैं वीजा लगने के बाद। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें फॉर एवरी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आज के लिए इतना, थैंक यू। सो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में आपसे मिस ना हो। बहुत सारे दोस्त वीडियो देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, बड़ी गलती करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ब्रॉडवे के साथ अप्लाई कर रहे हो, चाहे किसी भी वीज़ा कैटेगरी के लिए स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप हमारी जीरो लॉस पॉलिसी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर आप पैसा वीज़ा लगने के बाद भी दे सकते हैं और आपका कोई किसी तरह का नुकसान नहीं हो सकता अगर आप हमारी टीम से अप्लाई कर रहे हैं। तो ब्रॉडवे की टीम के साथ अभी से कॉन्टैक्ट कर लें, हमारा एक ही कॉन्टैक्ट नंबर है जो स्क्रीन पर दिख रहा है। ऑफिसेस हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया में हैं, सो आप हमें जम्मू में, पंजाब के कई शहरों में, हरियाणा के कई शहरों में, न्यू दिल्ली में, अहमदाबाद में, इन सब जगहों पर आप हमारी टीम से मिल सकते हैं। और अगर इसके अलावा आप दूर से भी हैं तो निश्चिंत रहें, आपके लिए हमारी एक स्पेशल ऑनलाइन टीम है जो आपको ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनियां नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।